यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। महिरतिया के अंतर्गत आने वाले जाखनदादी कस्बे में बने अवैध घरों को नगर पालिका ने खाली करने का नोटिस दिया है। इससे गुस्साए लोगों ने एसडीएम कार्यालय के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। लोगों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार वैसे तो लोगों को घर देने का आश्वासन देती है, लेकिन यहाँ इसके विपरीत उनके आशियाने उजाड़ रही है। वो 30-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें रहने के लिए घर दिए जाए या उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो वो घरों को खाली नहीं करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने आगामी चुनावों में बीजेपी का विरोध करने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके घरों को उजाड़ा गया तो वो आगामी चुनावों में बीजेपी के नेताओं को इलाके में घुसने नहीं देंगे। सालों के बीच जिन्हिया भी सरकार आई सारिया सरकार बहुत इन्होंने झूठे लहारे बह जे वेख ले ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। तो रतिया से ये मामला सामने आया है जहां पर अवैध घरों को नगर पालिका ने नोटिस थमाया है, लेकिन इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने आगामी चुनावों में बीजेपी का विरोध करने की भी चेतावनी दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे अशोक ग्रोवर, हमारे संवाददाता रतिया से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या पूरा मामला है ये? अशोक आवाज मिल पा रही है? अशोक आवाज मिल पा रही है? हाँ, जी अशोक, कितने समय से ये अवैध आशियाने जो हैं वो बने हुए थे और अब जिनको नोटिस दिया गया है? अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं पिछले 25-30 वर्षों से यहाँ पे, और नगर पालिका की जमीन है जिसके ऊपर इन्होंने मकान बनाए हुए हैं अपने जी, और नगर पालिका ने इनको नोटिस दिया कि ये जमीन खाली करो, मकान को यहाँ से अपने उखाड़ के ले जाओ, जिसका ये विरोध कर रहे हैं और एसडीओ कार्यालय के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। अशोक, कितने समय से ये घर बन यहाँ पर बने हुए थे, इन्होंने कितने समय से अपना जो आशियाना है वो बनाया हुआ था यहाँ पर? जो इन्होंने आशियाने हैं, इनका कहना है कि 30 वर्ष पुराने आशियाने हैं इनके जी, जिनको जबरदस्ती तोड़ने की बात की जा रही है जी, और इनका कहना है कि वो मर जाएंगे मगर ये अपने मकान यहाँ से नहीं तोड़ेंगे। अशोक, हमारे साथ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त नगर पालिका के सचिव फोनलाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी मैडम। जी सुरेंद्र जी, 30 साल पुराने जो घर बने हुए हैं उन्हें अब नगर पालिका की ओर से नोटिस थमाया गया है, क्या कार्रवाई अब नगर पालिका की ओर से की जाएगी यहाँ पर? ये मैडम, पहले ये कब्जेदारी थे यहाँ पे, ये नगर पालिका की जमीन है, हमने पीपी एक्ट में केस डाल के, ये केस हमारी हक में हुआ हुआ है, पीपी एक्ट जो एसडीएम कोर्ट में लगता है और उसके संज्ञान में जो एसडीएम कोर्ट के जो तहसीलदार द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है, पोजेशन पे था केस, उसके बाद पुलिस सहायता लेकर इनको खाली करवाने का आदेश जारी किया। जी सुरेंद्र जी, पहले से क्यों जो है इस तरह से मकान बनने दिए जाते हैं, क्यों अवैध कब्जे करने दिए जाते हैं, क्यों समय से नहीं रोका जाता है, और जब बन जाते हैं तो लोगों के आशियाने को क्यों उजाड़ने का काम किया जाता है? ये इन लोगों को भी पता है ये कब्जाधारी हैं, ये पहले गांव था नहीं, 30 साल पहले, 30 साल जी, 30 साल पहले, देखो हम, मैं तो था नहीं मैडम, नहीं जो भी था पालक। चलिए हमारे साथ मंदीप जो है स्थानीय निवासी भी जुड़े हुए हैं। मंदीप, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर, क्योंकि नगर पालिका के जो सचिव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब नगर पालिका के हक में फैसला है, नगर पालिका की जमीन है इसीलिए इस जमीन को तो खाली कराया जाएगा। मैडम, ये जो लोग हैं ये 30 साल पहले बसे थे जी, पंचायत ने बकायदा इनको ये प्लाट दिए थे, उसके बाद गरीब लोगों ने मकान बनवा रखे हैं जी, और 30 साल के बाद सरकार इसको घेरना चाहती है, ये बहुत ही निंदनीय फैसला है सरकार का, और ये जो फैसला आया जो बिल्कुल गलत है। गरीब लोगों ने बड़ी मुश्किल से ये अपने मकान बनवा रखे हैं जी, और इन मकानों को तोड़वाना चाहते हैं, और ये फैसला इसका विरोध करते हैं, लगातार ये लोग हैं धरने पे बैठे हैं, सरकार इस फैसले को सरकार को दखल देके वापस लेना चाहिए जी। तो आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, इन घरों को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये गरीब लोगों ने पूरी जिंदगी की कमाई लगा के ये घर बनाए हैं। जो बात ये सचिव जी कह रहे हैं, जब ये घर बनाए जा रहे थे तब सरकार कहाँ थी? बहुत से लोगों के पास आज रहने के लिए जगह नहीं है, मकान लेने के लिए जगह नहीं है, गरीब लोग किराए पे रहते हैं। देश आजाद हुए 70 साल हो गए, 70 सालों में आज
हमारे देश के लोगों के पास शिक्षा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है जी। ये किस मुकाम की बात कर रही है सरकार? सुरेंद्र जी, लोगों की ओर से साफ कहा जा रहा है कि हम तो जमीन खाली नहीं करेंगे, चाहे अपनी जान क्यों ना यहाँ पर देनी पड़े, तो फिर कितना मुश्किल नगर पालिका को होने वाला है और कैसे जमीन खाली करवाएंगे आप? देखो ये तो हमने तो अपने कानून के दायरे में रह के काम करना है, जो भी हमारा कानून हमारे होएगा हम उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारे सरकार के आदेश होंगे, जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसियां हैं, जो भी हमारा कानून कहता है, हम उसके दायरे में काम करेंगे। हमने अपनी ड्यूटी करनी वो कर रहे हैं जी। चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। लेकिन मनदीप जी, आगे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर उनका क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है आदेश हो चुके हैं और साथ ही नगर पालिका के हक में जो है ये जमीन जा चुकी है कोर्ट के मुताबिक, तो अब ऐसे में स्थानीय लोग जो है उनके पास क्या विकल्प है? पिछली बार जब हुड्डा सरकार थी, स्वयं हुड्डा मुख्यमंत्री थे, वो उस कॉलोनी के अंदर गए थे, लोगों को ये आश्वासन देते गए थे कि हम आपको उजड़ने नहीं देंगे। आज फिर मान लो उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की और ये लगातार वहीं बैठे थे, आज दोबारा फिर ऐसे नोटिस आए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी निंदा जितनी निंदा करूं उतनी कम है, क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई यहाँ मकानों पे लगा दी है, छोटे छोटे मकान है गरीबों के, उसको जो उजाड़ना चाहते हैं। शहर में बहुत से वैध कब्जे हैं, कहाँ है नगर पालिका, इतने कपड़े करते हैं ये नगर पालिका में, इनको ये गरीब लोगों के मकान गिराने नजर आ रहे हैं, इसी पर कानून लागू करना चाहते हैं ये लोग। चलिए बहुत शुक्रिया मनदीप जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अशोक, आपने सुना दोनों का पक्ष, हालांकि नगर पालिका की ओर से कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में जो भी होगा वो कार्रवाई जो है वो जरूर यहां पर की जाएगी, लेकिन स्थानीय लोग जो डटे हुए हैं, क्या उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? अभी इनको नोटिस दिया गया और 2-4 दिन में इनको टाइम दिया गया कि ये अपना जो मकानों का मलबा है वहां से हटा ले, मगर ये लोग बच्चों सहित एसडीएम कार्यालय के आगे सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और वहीं खाना बनाते हैं, वहीं पकाते हैं खुले आसमान के नीचे, और इनका कहना है कि वो मर जाएंगे मगर यहाँ से कब्जे नहीं हटाएंगे जी। कितने दिन का समय दिया गया इनको मकान खाली करने के लिए अशोक? अभी जो समय दिया गया 2 अप्रैल तक का समय दिया गया, मगर इनका ये भी कहना है कि 2017 में जो चुनाव आने हैं उसमें बीजेपी का जमकर विरोध करेंगे, ना ही कि अपने कॉलोनी में किसी को घुसने देंगे पार्टी नेता को, और गांव में भी इनका विरोध किया जाएगा पार्टी का जी। चलिए बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है और रतिया के जाखंड दादी का ये पूरा मामला है, जहां पर करीब 30 साल पुराने बने आशियाने को उजाड़ने का फरमान सुना दिया गया है और साथ ही नगर पालिका की ओर से इस मामले में पूरी कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है।